व्यांग एकता जिंदाबाद 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 व्यांग जिंदाबाद मुर्दाबाद पटेल सरकार मुर्दाबाद 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 पटेल सरकार मुर्दाबाद 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 व्यांग एकता लागू करो लागू करो लागू करो व्यांग एकता लागू करो लागू करो लागू करो मुर्दाबाद 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 होश में आओ होश में आओ। संजय अग्रवाल एडवोकेट अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज हरियाणा। सब क्या आपकी इस मांगों को लेकर हमारा एक ही अधिनियम बना हुआ है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 और उसको सरकार को तत्काल प्रभाव से लागू करना था जो कि दिव्यांगों को उसका लाभ मिल सके, मगर अभी तक सरकार ने उसे लागू नहीं किया हरियाणा में। और हमारा यही कहना है, बार बार हमने ज्ञापन भी दिए हैं और पीछे धरना भी चलाया था 77 दिन का, उसके बावजूद भी ये अधिनियम लागू नहीं हो रहा। उसी को के लिए हम जो है आज फिर एक दिन का धरना प्रदर्शन द्वारा ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारा एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए। क्या मुख्य मांगे एक्ट के अंदर है? हमारा एक्ट के अंदर मुख्य मांगे हैं 40% दिव्यांगता से पेंशन और हमारा जो है बस पास रेल पास, दिव्यांगों को भी जो है मकान बनाने के लिए BPL राशन कार्ड हेल्थ कार्ड ये सब जारी किया जाए। ये हमारी मूलभूत मांगे हैं जिसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये मांगे कब से चल रही है? ये मांगे हमारा 1995 का एक्ट बना था, तब से हम जो है लगातार इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उसको बदल के 2016 का भी एक्ट उसमें सुधार किया गया, मगर उसका फायदा हमें अभी तक नहीं मिला है। ये दिव्यांगों के साथ सरासर धोखा है। जो संसद में जो एक्ट पास हो चुका है उसको लागू करना सरकार की ड्यूटी होती है और वो अपनी ड्यूटी से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रही है और ये धोखा है दिव्यांगों के साथ।